सुबेरा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त और उनसे जानेंगे कि क्या प्लान्स हैं, टिकट भी जो है उम्मीदवार है या फिर आवाम के लिए कुछ करना है। नहीं, हमारे इरादे तो हैं, वो बहुत मजबूत हैं। खान साहब जो है वो इंटरव्यू ले रहे हैं आज, एक हल्का नंबर 1 से लेकर हल्का नंबर 50 तक लोगों के इंटरव्यू हो गए हैं। हमारा जो हल्का जो है वो है PP253 है। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में 3-4 दिन में हमारी भी बारी आ जाएगी। मैं समझती हूँ कि ये जो इस दफ़ा जो नैरेटिव खान साहब का है, खुद इंटरव्यू लेने का पर्पज़ ये है कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो नाराज़ हो जाते हैं, जो धरने देते हैं, जो किसी और पार्टी में चले जाते हैं, ये इनको बेहाल में कंट्रोल करने का एक तरीका खान साहब ने ढूंढा है। मैं दुआ करती हूँ इसमें वो कामयाब हों, लेकिन हमारे कैंडिडेट बहुत तेज़ हैं। मैडम मुझे ये कहिएगा कि जब स्कूल्स में कॉलेजेस में वाइवा होता था तो हम फौरन से पूछते थे, जो वाइवा दे के आता था क्या क्या पूछा, तो खान साहब क्या क्या पूछ रहे थे? लेकिन अभी तक हमें तो कोई कैंडिडेट अभी मिला नहीं, ये कल हमें फीडबैक का पता चलेगा। क्यों, आइडिया तो हो जाता है ना क्या क्या पूछा आपके ख्याल में क्या क्या। हाँ, वो ये सुनने में आया है कि तमाम एक हल्के के तमाम कैंडिडेट्स को इकट्ठे बुलाया है, तो उनसे कहा है कि ये मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इसको टिकट दे रहा हूँ, आप भी सपोर्ट करें। फिर जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं वो इसके रिबटल में कुछ कह रहे हैं कि नहीं नहीं इनके अंदर ये खामी है, तो एट द एंड फिर नोट डाउन हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन डिसीजन एट द मोमेंट नहीं कर रहे। सारे कैंडिडेट्स को बिठा के इकट्ठे और कह रहे हैं एक दूसरे में कीड़े निकालो। यस यस, मुनाफ़त नहीं हो रही, मुंह के ऊपर हो रहा है, मुंह के ऊपर कीड़े निकालेंगे जी। मुझे ये बताएगा, व्हाट डू यू थिंक, कौन कौन से सवाल जो है एक कैंडिडेट से पूछने चाहिए आवाम की फलाह के हवाले से, कि जब अगर वो कैंडिडेट जो है उनको टिकट मिलता है उसके बाद इलेक्ट होने के बाद वो गवर्नमेंट में जब आते हैं तो क्या करेंगे या करेंगे आवाम? देखिए, अगर सवाल पूछने की बात, 3 बेसिक क्वेश्चन अगर आप इंटरव्यू ले रही होती तो वो 3 सवाल क्या होते हैं? वो 3 सवाल, देखिए ये तो खान साहब ने ही डिसाइड करने के सवाल आपने अपने बताए। आप मुझे बता, मुझे कहें कि मैं खान साहब बन जाऊँ 2 मिनट के लिए, तो मेरे सवाल क्या होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपके हल्के के अंदर रिप्यूट क्या है, आपके अंदर कोई करप्शन के एलिगेशन तो नहीं है, और आपका जो आप सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा जो कैंडिडेट है उसके हल्के में क्या वर्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसके एम्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, ख़वातीन के हवाले से भी, बच्चों के हवाले से भी, तालीम के हवाले से भी, वो उसका नैरेटिव थी वो हमारे सामने आना चाहिए। 3 बेसिक क्वेश्चन है जो मैं समझती हूँ कैंडिडेट से ज़रूर पूछने चाहिए, ख़ासतौर पर फीमेल को प्रमोट करने के लिए। ये एक हमारा खान साहब का ये है कि 5% जो कोटा दिया जा रहा है ख़वातीन को कंटेस्ट करने के लिए, उस पर भी कंपटीशन होना चाहिए, ये नहीं कि मनपसंद फेवरेटिज्म नहीं चलना चाहिए। हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा अलमी है, जिस वजह से साउथ पंजाब में, वैसे भी ओवरऑल पंजाब के अंदर खवातीन जो है कंटेस्ट करने के मामले में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अभी तक 0 है। मैडम, अगर हुकूमत में आप आती हैं, सरायकिस्तान चाहेंगी कि बन जाए? हम तो चाहेंगे बहावरपुर, साउथ पंजाब। सरायकिस्तान, देखिए वो एक नारा तो है सरायकिस्तान, मैं खुद एक सराय की हूँ, मेरा सराय के बैल से ताल्लुक़ है, लेकिन हम ऐसी बात करें जो ग्राउंड पे हो, जो हमारी पार्टी का जो एक स्टांस है वो साउथ पंजाब के हवाले से। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि मुझसे पर्सनली तौर पे पूछते हैं, तो मैं समझती हूँ कि बहावलपुर में बहुत प्यारा लगता है, बहावलपुर को रीस्टेट होना चाहिए। बहावलपुर को अलहदा सूबा बनाए, अब अलहदा बनाए ज़िला, या फिर आप दारुल हुकूमत की बात करें, क्योंकि 2018 से लेकर 2023 तक ये पहले बातचीत चलती रही कि दारुल हुकूमत इसका कैपिटल जो है वो बहावलपुर को बनाया जाए, मुल्तान को बनाया जाए, ये काफ़ी लड़ाई जारी रही। लेकिन इसमें जो हमारे जो इतिहादी हैं काफिले के, उन्होंने मेजर रोल अप प्ले किया, वरना तो बहावलपुर को ये डिक्लेयर कर दिया था खान साहब ने ओपनली कि इसको हम कैपिटल बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे। मैडम ये कहिएगा कि वहाँ पर लोगों के साथ नाइंसाफ़ी तो होती है, यहाँ पर वेजेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर नस्बता कम है, वहाँ पर हर चीज़ में नाइंसाफ़ी हो रही है, यहाँ पर इंडस्ट्री है वहाँ पर नहीं है, तो आपके ख्याल में 2 काम अगर आप हुकूमत में आती हैं तो वहाँ के लोगों के लिए जो प्रेफरेंस होगी कि ये 2 काम फौरी होने चाहिए? सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारे यहाँ सिर्फ इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर एक वाहिद वो यूनिवर्सिटी है पूरे साउथ पंजाब के अंदर। मैं बताते चलूँ, वहाँ 3 सालों के अंदर 1000 हम लोगों ने जॉब्स दिए हैं पूरे बहावलपुर के अंदर। साउथ पंजाब के अंदर जॉब्स गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ था। अगर मुझसे पूछे तो मैं समझती हूँ कि वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन को शुरू करेंगे हम, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे। इंडस्ट्री हम कैसे लेंगे, वहाँ इकोनॉमिकल जोन हमारा बना हुआ है लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। मेरा जो बेसिक पर्पज़ है, हाँ मैं ये समझती हूँ कि अगर एक सवाल मुझसे बेसिक सवाल पूछते हैं तो इस सवाल के अंदर ये भी सवाल होगा, जो MP कंटेस्ट करेगा, विनिंग करेगा, तो उसके जिम्मे 2 से 3 इंडस्ट्री अपने हल्के में लगाना पाबंद होगा वो। अगर एक MP अपने हल्के में इंडस्ट्री लगवा सकते हैं तो वो कैपेबल है, वो दूसरों के हकूक़ का भी पासदार हो सकता है। जो दूसरे के हकूक़ का पासदार नहीं हो सकता, उनको जॉब्स नहीं दिलवा सकता, तो वो हम कैसे कह सकते हैं वो हमारे लिए अच्छा है? इस तरह आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हमारे वो MPs हिस्ट्री में दफन हो चुके हैं।
मैडम सलमान साहब जो हैं वो इलेक्ट हुए आज़ाद और उसके बाद जो है पीटीआई के साथ मिल गए और उन्होंने कहा कि पीटीआई ने बड़ा सौतेला मेरे साथ सलूक किया, मुझे फंड्स नहीं दिए, मैं सड़कें नहीं बना सका। और पीडीएम की हुकूमत आते ही उन्होंने कहा बड़ा ही कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, सड़कें बन गई, रोड्स बन गए, जो हैं दूध की नहरें बहने लगी। कैसी परफॉर्मेंस रही आपके ख्याल में पीडीएम के दौरे हुकूमत में और पीटीआई के दौरे हुकूमत में सलमान साहब? देखिए सलमान नईम साहब की मेरे में बात करें, मुल्तान से हमारे कैंडिडेट थे, मद्दे मुकाबले थे शाह महमूद कुरैशी साहब के, मद्दे मुकाबले से वो जीते थे। देखिए वो हमारा अगर पीटीए की प्लेटफॉर्म से जो था वो हमारा एक फ्रेश कैंडिडेट था, यंगस्टर आज जीते थे, यंगस्टर था तो उस पर्सपेक्टिव में नहीं आज़ाद देते तो पीटीए में शामिल हो गए थे, वो तरीन साहब के ग्रुप के अंदर वो शामिल थे। लेकिन एज अ यंगस्टर्स वो उसकी खुद अपनी बहुत ज़्यादा वर्थ है, वो अपने हलके में पॉलिटिकल पार्टी ना होने के मतलब किसी में शमूलियत किए बगैर वो बहुत अच्छे वो काम करें। शायद हमदर्दी के वोट लिए उन्होंने पीटीआई से कि इमरान खान साहब ने ज़्यादती कर दी मेरे साथ मुझे जो है खान साहब ने टिकट नहीं दिया, शाह महमूद कुरैशी को दे दिया, और अब जो है जब उन्होंने नून लीग को ज्वाइन किया तो आवाम ने टिकट नहीं दिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत सारे अनासिर हैं, शाह महमूद साहब को हरवाया भी गया, कुछ और भी एलिमेंट्स शामिल थे, आपको भी पता है बिहाइंड द सीन। लेकिन वो उस बदले इधर कौन है दोनों? देखिए हम तो ये कहेंगे कि शाह ने अवाम बन के बताना है, अगर आप कैंडिडेट ना होती सिर्फ अवाम होती तो आपके ख्याल में दोनों में कौन? देखिए हम तो सपोर्ट करेंगे शाह साहब को, ओपनली सपोर्ट बनने भी चाहेंगे, बस सपोर्ट नहीं बनना भी चाहिए उनको, ओपनली हम कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं समझती हूँ कि वो बेस्ट कैंडिडेट है एज़ कम्पेयर उसके। देखिए उन्होंने सौदेबाजी नहीं की, तरीन ग्रुप में चले गए, पीडीएम में चले गए, उनके वर्थ अब क्या है? जीरो। अब दोबारा वो कैंडिडेट खड़े हो जाएं तो आप देखें उनको तो वोट लोग पसंद नहीं करते। अगर आप समझती हैं कि वो पीडीएम में चले गए, कंस्ट्रक्शन करो, वो अरबों रुपये भी लगा दे बेशक मुल्तान शहर में, लेकिन वो फिर भी विन नहीं कर सकते। ये है दिलों का वोट, ज़मीर का वोट, जो लोगों ने जो है वो इलेक्शन डे पर जो है वो डाल लिया। आवाम को क्या कहना? आवाम को ये कहना चाहूँगी कि आपने उस कैंडिडेट को सपोर्ट करना है जो आपके हलके में इंडस्ट्री लगाने का वादा करे। जब तक लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक हमारे यहाँ मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकते।